रही है, तो क्या फिल्म को सेम टाइटल के साथ रिलीज किया जाएगा? क्या सलमान खान के अलावा कोई और भी दिख सकता है मास्टर फिल्म के रीमेक में? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म मास्टर से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। पहले वांटेड, फिर रेडी और हाल ही में आई राधे और मोस्ट वांटेड भाई, जिसने बड़े पर्दे पर कोई ज्यादा धमाल नहीं मचाया, जिसकी सलमान को कहीं न कहीं वजह रीमेक फिल्म लगती है। अब ऐसे में फिर से एक बार खबरें तेज हो रही हैं कि एक और साउथ की तमिल फिल्म मास्टर का रीमेक वर्जन हमें दिख सकते हैं सलमान खान की एक अपकमिंग बॉलीवुड फ्लिक के जरिए, जिसमें वो बतौर लीड एक्टर होंगे। तमिल फिल्म मास्टर इसी साल यानी 13 जनवरी 2021 को सिनेमा घर में रिलीज की गई थी, जिसमें इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का टाइटल विजय द मास्टर था। ऐसे में खबर है कि सलमान खान अब वापस से एक और बार रीमेक फिल्म का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें फिल्म में विजय का किरदार काफी पसंद आया था और उन्हें भी एक ऐसा ही किरदार करना है, पर कहानी ये नहीं होगी शायद। बताया जा रहा है कि सलमान ने राइटर को एक नई कहानी के साथ जेडी के कैरेक्टर की डिमांड की है, और सबको पता है जब भाई कोई कमिटमेंट कर दे तो वो होके ही रहती है, फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। तो ऐसे में अगर फिल्म की स्टोरी चेंज होती है तो काफ़ी चांसेस हैं कि फिल्म का टाइटल भी चेंज हो सकता है। वैसे सलमान आजकल अपनी हर फिल्मों का टाइटल वन वर्ड रख रहे हैं, ऐसे में मास्टर टाइटल भी रखा जा सकता है फिल्म का विद अ डिफरेंट टैगलाइन। वैसे सलमान के साथ ही फिल्म में एक और एक्टर का नाम भी सामने आ रहा है कि शायद वो भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं, और वो नाम है बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन का। और ऋतिक और सलमान की कितनी बनती है ये तो हम आपको अपनी पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये दोनों आमने सामने एक ही स्क्रीन पर नजर आए तो हाफ कलेक्शन तो भाई के नाम पर ही हो जाता है, बचा हुआ इस बार इनकी जोड़ी से हो जाएगा। बस देखना ये है कि आगे कुछ होता भी है या नहीं। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सलमान खान और ऋतिक को साथ देखना चाहेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो।